कुंभ मेला अधिकारी ने कहा तैयारियां हो जाएंगी पूरी, पेशवाई इस बार होगी दिसंबर माह में। जो कार्यक्रम आ गया है इसके अंतर्गत श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई, जूना अखाड़े की पेशवाई 18 दिसंबर को प्रवेश करेगी, पेशवाई अर्थात शोभा यात्रा निकलेगी और यहाँ स्थापित होंगे 18 दिसंबर 2012 को। पंचदश नाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई 19 दिसंबर 2012 को है। श्री पंच अटल अखाड़ा की पेशवाई 5 जनवरी को निकलेगी। श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की पेशवाई 9 जनवरी को आएगी। नहीं, धर्मध्वजा है 10 जनवरी को। प्रवेश शाही, पेशवाई और प्रवेश शाही में कोई अंतर? भूमि और सुविधाओं के आवंटन को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और उसको अपडेट करने के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम लागू कर रहे हैं। हमने 2001 के कुंभ और 2007 के अर्धकुंभ के दौरान जितनी भी भूमि और सुविधाएं जिन जिन संस्थाओं को दी गई थी, जिन जिन जो है वो धर्मगुरुओं को दी गई थी, जिन जिन जो है वो व्यक्तियों को दी गई थी, उन सभी का हमने जो है कंप्यूटराइजेशन कराया है। हम बहुत जल्दी ही अगले 1-2 दिनों में इसको समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमने कंप्यूटराइज कर दिया है, हर एक को जिसको सुविधा मिली है उसका उल्लेख उसमें है। वो सब जो है वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के ये देख सकेंगे कि उनका जो सुविधाओं का भूमि का उल्लेख है वो वही है जो उनको मिला है या जो उनके पास प्रमाण है या फिर उसमें कहीं कोई कमी बेसी है। यदि उसमें कोई न्यूनाधिक कोई भिन्नता पाई जाती है तो उनको इस बात का अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वो अपना पक्ष हमारे सामने रखें। वो पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से आकर के यहाँ हमें बता सकेंगे। उसके लिए हम काउंटर खोल करके एक निश्चित अवधि में उनका पक्ष सुनेंगे और उनको सुनने के पश्चात अपने डेटा को अपडेट कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम नई संस्थाएं जो यहाँ आना चाहती हैं, पहले उन संस्थाओं को हम उन संस्थाओं या फिर ऐसे उपक्रमों को समाविष्ट कर समायोजित करेंगे जिनको हम देते रहे हैं क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। और इसके बाद हमारे पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसमें हम नई संस्थाओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उनकी अब तक की क्या कार्यप्रणाली रही है, क्या गतिविधि, क्या वो कार्य कर रहे हैं, उनकी उपादेयता और इस मेले और मेले से जुड़े हुए जो विषय हैं उन विषयों पर अगर उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनको यहाँ आना चाहिए तो हम उस पर विचार करेंगे। हम इस बार जियो पोजिशनिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसका आशय यह होता है कि हमारा मेला क्षेत्र पूर्ण रूप से GPS लिंक्ड रहेगा और मेले की जो टाउन प्लानिंग होगी, मेले में जो भी शिविर बसेंगे, मेले में जिस तरह से आवागमन होगा, उन सब का जो है वो कोई भी अवलोकन वेबसाइट पे जाके इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। इससे उनको अपना समय बचेगा, श्रम बचेगा और असुविधा उनकी बचेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। आवागमन जिसको हम यातायात नियंत्रण या प्रबंधन कहते हैं और सैनिटेशन सफाई और प्रकाश व्यवस्था, ये तीन ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जब हमारा मेला बस जाता है और मेला प्रारंभ होता है तो ये तीन व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे मेले का रूप निखर के आता है और मेले की अच्छाई बुराई व्यवस्था के बारे में टिप्पणियां होती हैं या हमको हमारा मूल्यांकन होता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम इस बार अन्य अवसरों से सबक सीखते हुए और इस दौरान वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रवेश द्वार हैं, जितने भी हमारे निकास द्वार होंगे, जितने भी हमारे प्रवेश मार्ग होंगे, जितने भी हमारे निकास मार्ग होंगे, उन निकास मार्गों की हम चौड़ाई को बढ़ाएंगे। उन पर जो जगह जगह पर हम पर्याप्त संख्या में पुलिस का प्रबंध करेंगे, पुलिस बल तैनात करेंगे। उस पर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेरिएबल मैसेजेज साइन बोर्ड लगाएंगे ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े हम अपने तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहें कि आप फिलहाल किसी अन्य दिशा की ओर जाएं या फिर आप थोड़ी देर के लिए कहीं जहां हैं वहीं रुकें तो वो हम मैसेजेज उनको दे सकें। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा ताकि जब जहां जैसी जरूरत पड़े तत्काल मैसेजेस जो है वो प्रसारित किए जा सकें। इसके साथ ही साथ यहां इलाहाबाद को आने वाले जितने भी मुख्य मार्ग हैं चारों दिशाओं से, उन दिशाओं पर जो निकटस्थ जनपद होगा उस जनपद की पुलिस, वहाँ के प्रशासन से संपर्क रखा जाएगा निरंतर और उनसे भी तालमेल बिठा करके सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी हमको ऐसा महसूस हो कि हमारे स्नान क्षेत्र में संगम नोज पर और संगम के आसपास या मार्गों पर इतनी अधिक संख्या में लोग आ गए हैं कि अभी आने वाले लोगों को कहीं जहां हो वहीं रोका जाए तो वैसा भी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। कुल मिलाकर तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वो आराम से आएँ, उनकी यात्रा आरामदेह हो, उनका अवस्थान, उनका ठहराव, उनका विश्राम आरामदेह हो
वो स्नान घाटों पर स्नान आराम से कर सकें, संगम में वो जो पवित्र संगम में अच्छे ढंग से डुबकी लगा सकें, इसके लिए हर तरह की व्यवस्था की जाएगी। दिन में रात में बिजली का प्रबंध होगा, सफाई निरंतर होती रहेगी, जो हमारे सफाई कर्मी सफाई के लिए लगाए जाते हैं वो लोग निरंतर सफाई करें, इसके लिए उनकी पहचान के लिए उनको हम लोग एप्रेंस तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि उनकी जो अटेंडेंस की व्यवस्था है वो बायोमेट्रिक हो, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का हेरफेर न हो। इसके साथ ही साथ सुरक्षा का जो हमारा प्रबंध है और सुरक्षा के साथ साथ यातायात, मैंने आपको बताई दिया, कप्तान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने उनके विषय को भी जो है वो अपने इस जो है वो संबोधन और वक्तव्य में समाविष्ट कर लिया। आपके माध्यम से मैं पूरे देश प्रदेश और हर सम्मानित नागरिक को और विशेष रूप से जो उत्पादक हैं विभिन्न उत्पादों के, उनको बताना चाहूँगा कि कुंभ मेला में इस 2012-13 का जो कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, इसके लिए कहीं से किसी भी रूप में कंबल या कंबल से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री की खरीद नहीं की जा रही है। पिछले 2 महीनों से पता नहीं कहां से किस तरीके से एक अफवाह उड़ी हुई है और आए दिन इस तरह के टेलीफोन या ऐसे व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं जो इसके लिए पूछताछ करते हैं कि मेला क्षेत्र में कंबल की खरीद हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका जो है प्रसारण करेंगे तो कम से कम लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर अगर कहीं जाने अनजाने कोई किसी असामाजिक तत्व के चंगुल में फंस गया तो फंसने से बच जाएंगे। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा। मतलब ये